तुम्हें लगता है कि मैं आहिल को हमारे साथ नहीं रखना चाहता, अपने साथ नहीं रखना चाहता? ऐसे क्या देख रहे हैं? कुछ नहीं, बस ये देख रहा था कि तुम हंसते हुए कितनी अच्छी लगती हो। प्लीज ऐसी हंसती रहा करो। और अब इसका क्या करेंगे? इसे मैं जाकर रख देती हूँ और आपके लिए कॉफी लाती हूँ। थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम आंटी। वालेकुम अस्सलाम। बैठो बैठो। कैसे हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। आप, ये मैंने आहिल के लिए कुछ शॉपिंग की थी तो सोचा ड्रॉप करती हुई जाऊँ। चलो, ये तो बहुत अच्छा किया। फिर जब आती हो तो अपने साथ अरीशा को भी ले आया करो, इस बहाने कम से कम मेरी भांजी से मेरी मुलाकात तो हो जाएगी। जी आंटी, भाभी कहाँ पर है? रूमी तो सो रही है, मैं आहिल को बुलवा लूँ? क्यों आंटी, आप मेरे से बोर हो गई इतनी जल्दी? अरे नहीं नहीं ऐसी कोई बात नहीं है। खैर ये बताओ कि आजकल क्या चल रहा है? लगता है शॉपिंग हो रही है। जी आजकल शॉपिंग हो रही है। आपको सारे में नहीं बताया, कल वो मेरे साथ ही थे शॉपिंग पे। शॉपिंग पर सारे मरूम में शॉपिंग पर भी गए थे ना? नहीं भाभी तो नहीं थी। इनफैक्ट सारे में बता रहे थे कि भाभी अपने पेरेंट्स के घर गई हैं, शायद उन्हें कोई वहां पे काम था। मगर सारे मरूम में तो डिनर पर गए थे ना? नहीं डिनर तो सारे में मेरे साथ किया है कल। मेरे ख्याल से भाभी ने आपको कुछ बताया नहीं। हो सकता है कि उन लोगों का प्लान चेंज हो गया हो। आंटी वैसे मुझे सारे में बहुत खोए खोए डिस्टर्ब लग रहे थे। अरे नहीं नहीं सहरेश, ऐसी कोई बात नहीं है, सब ठीक है। अच्छा मैं ऐसा करती हूँ कि चाय का कहती हूँ। जी साथी आंटी, कुमसुम बता रही थी कि सहरेश आई थी। बस अजीब बात है ना, उसे तुम्हें कॉल करके आना चाहिए था, लेकिन अगर वो तुम्हें फोन करके आती तो शायद तुम उसे मना कर देती। आंटी मैं ऐसा क्यों करती? कल कहाँ गए थे तुम लोग? अब आंटी वो मैं सारिम के साथ ही थी, फिर उन्हें कॉल आई कि अर्जेंट काम से जाना है तो अम्मी के घर ड्रॉप कर दिया था उन्होंने मुझे। इतने अर्जेंट काम में वो सहरेश के साथ डिनर करने चला गया? मुझे इस बात का बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि मैंने तुमसे कहा कि तुम आहिल को घर पर रहने दो और उसके बदले में तुम बजाय सारिम के अपनी अम्मी के यहाँ चली जाओगी। एक मिसअंडरस्टैंडिंग थी आंटी, लेकिन अब सब ठीक है। रूमी कोशिश करना कि ऐसी मिसअंडरस्टैंडिंग दोबारा ना हो, क्योंकि शादी के बाद अगर इस तरह की मिसअंडरस्टैंडिंग्स होती रही ना तो मर्द किसी और के साथ अंडरस्टैंडिंग कर लेता है। क्या हुआ, कोई बात है? परेशान लग रही हो। सहरेश ने सादिया आंटी को कल के डिनर के बारे में सब कुछ बता दिया। अच्छा, घर आई थी? घर आई थी। इसमें इतना परेशान होने वाली कोई बात नहीं है।
आई एम श्योर अम्मी ने तुम्हें बहुत कुछ समझाया होगा, अम्मी भी ना। सबके लिए परेशान होना छोड़ दो, अपनी जान हलकान करती रहती हो और जो सामने है उसे तो नजर भर के देखती तक नहीं हो। मैं अहिल को देखकर आती। अहिल सो रहा है। रूमी कब तक भागोगी मुझसे? सारिम छोड़े मेरा हाथ। और अगर ना छोड़ू तो क्या मैं अब तक दिल में बिल्कुल भी जगह नहीं पैदा कर सका? सारिम छोड़, सारिम छोड़े मेरा हाथ। मुझसे कोई तवक्को रखने की जरूरत नहीं है आपको, और जोर जबरदस्ती से तो बिल्कुल भी नहीं। कहा था कि बीवी की हैसियत से कोई खुशी नहीं दे सकती मैं आपको, और मुझसे शादी का फैसला आपका अपना था या तरफा था? बहुत ज्यादा है क्या आप? I'm really sorry. लिमिट क्रॉस कर दी ना मैंने, भूल गया था। हाँ भाई, कर लिया सब कुछ चेक? सब ठीक है ना? क्या सोच रही हो? जैसा हम समझ रहे हैं ना, ऐसा कुछ भी नहीं है। क्या कहना चाहती हूँ? मैं कॉरिडोर की लाइट्स ऑफ करके आ रही थी, सारिम के रूम से मुझे रूमी और सारिम के बहस करने की आवाजें आईं। क्यों परेशानी में मुब्तला रहती हो? देखो, सारिम बहुत मोहब्बत करता रूमी से, और मियाँ बीवी में छोटी मोटी बातों में कोई चपकलिश तो हो ही जाती है, इसमें इतना परेशान होने की क्या जरूरत है? मैंने दानिश्ता तौर पे उनकी बातें नहीं सुनी है। मैंने कहा ना कि मैं लाइट्स ऑफ कर रही थी, मेरे कानों में आवाज आई, मेरा दिल परेशान हुआ और आके आपसे कह दिया और बस। इन सारे झगड़ों से मियाँ बीवी के दरमियान अंडरस्टैंडिंग बेहतर होती है। चलो छोड़ो, सो जाओ।
छोटी बेगम थक जाएंगी आप, अब आराम करें, मैं बाकी काम कर लूंगी। ये भी कौन सा काम हुआ, सारी मदद तो आपने करवाई है, और सब दुआ करें सारिम को अच्छा लग जाए। पसंद आएगा उसे, जरूर पसंद आएगा। भाई जब तुम इतनी मोहब्बत और दिल से उसके लिए खाना बनाओगी तो भला क्यों पसंद नहीं आएगा मेरे बेटे को? तुम्हें पता है मेरा बेटा जो है ना वो कदर करने वालों में से है। अच्छा बाय द वे आज कोई स्पेशल दिन है क्या जो इतना अहतमाम हो रहा है खाने का? नहीं आंटी, बस सोचा सारिम की पसंद का खाना बनाती हूँ। आई एम सो सॉरी, आपसे पूछा नहीं मैं। अरे नहीं नहीं बेटा, कैसी बातें कर रही हो तू? ये तुम्हारा घर है, ये किचन तुम्हारा है, तुम्हारा जब दिल चाहे जो दिल चाहे वो तुम बना सकती हो, इसमें इजाजत वाली कौन सी बात है भला? थैंक यू आंटी। भाई आज तो खाने में कोई खास इस्तेमाल लग रहा है। जी लग रहा है किसी दावत का इस्तेमाल है। यहाँ रख रूमी, ये सारा खाना तुमने सारिम की पसंद का बनाया था? कोशिश तो की अंकल, जरूर अच्छा होगा। अच्छा वो प्लीज अब ढलना भी शुरू करें, मैंने तो लंच भी नहीं किया, मुझे शदीद भूख लग रही है इसलिए मैं शुरू करने वाला हूँ। अम्मी प्लीज आप ही लेना। हाँ हाँ मैं लेती हूँ, मैं सर्व करती। रूमी प्लीज तुम भी बैठो ना, हमारे साथ ही खा लो। रूमी बाजी, रूमी बाजी, आहिल बाबा गिर गए। अल्लाह इतना हंगामा हो गया, तुमने आने की जरूरत भी नहीं की। क्यों आप चले गए थे ना, और सारिम भी चला गया, किस तरह से आहिल को लेके हॉस्पिटल भागा है वो, आपके सामने कह रहा था ना कि उसने दोपहर से कुछ नहीं खाया और अभी भी बगैर खाए चला गया। तुम्हारे लहजे से शिकवा जाहिर हो रहा है। शिकवा करूं तो किससे करूं और क्या करूं, जो कुछ भी मैंने किया ना अपने बेटे की खुशी के लिए किया है, उसकी ख्वाहिश की वजह से किया है। ढंग से वो शोहर तो बन नहीं पाया लेकिन बाप बहुत अच्छा बन गया है। मेरी बाजी आहिल बाबा कैसे हैं? आपको अंदाजा भी है कि अगर उसका ज्यादा खून बह जाता तो क्या हो जाता? वो हम सीढ़ी से उतर रहे थे ना तो उनका पैर फिसल गया था, मैं पास ही थी उनके। आपको यहाँ इसलिए नहीं रखा गया कि उसके आस पास रहे, इसलिए रखा गया कि साथ रहे, उसके ख्याल रखें। मुझसे गलती हो गई, माफ कर दें, आगे ऐसा नहीं होगा। सुमी कैसे आहिल? बेहतर है आंटी, खुनूदगी में शुक्र है ठीक वक्त पे चले गए हम, वरना पता नहीं क्या हो जाता। रूमी तुम बहुत परेशान हो गई हो, देखो ये जो छोटे बच्चे होते हैं ना खेलेंगे कूदेंगे गिरेंगे चोट भी लगेगी, इसमें इतना परेशान होने वाली कोई बात नहीं है। एंड आई एम श्योर आहिल के साथ ये फर्स्ट टाइम नहीं हुआ होगा। रूमी प्लीज बेटा इस तरह की सिचुएशन को हैंडल करना सीखो। और हाँ सारिम ने भी सुबह से कुछ नहीं खाया है, कुलसुम से कह के खाना भिजवाती हूँ मैं, प्लीज जरा देख लेना उसे।
थैंक यू सारिम। किस चीज का? आप हमेशा आहिल के लिए मसीहा बन जाते हैं। आज जिस तरह आप इसके लिए परेशान हो रहे थे, मुझे लगा आप ताबिश हैं। ताबिश भी बिल्कुल इसी तरह आहिल के लिए परेशान हुआ करता था। एक बाप अपनी औलाद के लिए परेशान नहीं होगा तो और किसके लिए परेशान होगा? क्या आप वाकई आहिल को अपनी औलाद समझते हैं? सिर्फ समझता ही नहीं, मानता भी हूं। इसीलिए तो तुम्हारे साथ साथ आहिल को भी मैंने दिल से कबूल किया है। अब बस इंतजार उस वक्त का है जब तुम मुझे दिल से कबूल करोगे, और जब तक नहीं करोगी मैं तुम्हारा इंतजार करता रहूंगा। और अगर ये इंतजार इंतजार ही रह गया तो? इंसान नफरत को भी मोहब्बत से जीत लेता है। तुम तो मुझसे नफरत नहीं करती। सिर्फ दिल के दरवाजे ही मेरे लिए बंद किए हैं। लेकिन मैं भी तब तक दस्तक देता रहूंगा जब तक तुम दरवाजा खोलने पर मजबूर नहीं हो जाओगे। फिलहाल तो कमरे का दरवाजा खोलती। सारी लॉलीपॉप खा ली आपने? हाँ, सारी लॉलीपॉप खा ली आपने? जितना एक्सपेक्ट किया था उतना तो नहीं रोया। सारा टाइम सारिम के पास ही था, उनसे बहुत क्लोज हो गए। लेकिन तुम मामा पापा को प्लीज़ ना बताना, बिला वजह परेशान हो जाएंगे। मैंने अम्मी को भी नहीं बताया। नहीं बता दी, डोंट वरी। अच्छा, तो बैठे बैठे सो गए, उसको कमी में बैठा कर रखती। कितना ख्याल रखती है ना भाभी आहिल का, और अब तो सारिम से भी अटैच हो गया होगा। हाँ बेटा, अब मैं ये चाहती हूँ कि आहिल के साथ खेलने के लिए कोई जल्दी से आ जाए। क्या मतलब? मेरा मतलब ये है बेटा कि सारिम और रूमी को भी अन्ना मियाँ कोई नन्ना मुन्ना खिलौना दे दे, ताकि आहिल का भी कोई बहन भाई हो ना। ये कैसे मुमकिन है आंटी? क्या मतलब है और क्यों मुमकिन नहीं है? अब पता नहीं मुझे आपको ये बात बतानी चाहिए कि नहीं, थोड़ी अजीब सी बात है। लेकिन आहिल की पैदाइश पे भाभी को थोड़ी कॉम्प्लिकेशंस हो गई थी, तो डॉक्टर्स ने उसी वक्त बता दिया था कि कंसीव नहीं कर पाएंगे कभी। अच्छा, तुम क्या कह रही हो बेटा? मुझे तो ऐसी बात ना रूमी ने कही और ना ही सबिया ने कभी जिक्र किया इस बात का। आंटी, एक्चुअली भाभी को खुद नहीं पता है। ताबिश भाई ने मना किया था कि भाभी को या उनके घर वालों को कुछ ना बताया जाए। लेकिन प्लीज आंटी, आप मुझसे प्रॉमिस करें कि आप ये बात दोबारा डिस्कस नहीं करेंगे किसी से, ना ही रिपीट करेंगे। यू हैव टू प्रॉमिस मी। गहरी नींद सो गया। क्या हुआ आंटी?
परेशान लग रहे हैं आप। नहीं नहीं ऐसे वो मुझे एक इम्पोर्टेंट कॉल करनी थी। आप लोग बैठो मैं चाय पिछवाती हूँ। हाँ क्या बात है, किस परेशानी में टहल रही हो? सिद्दीकी साहब हमारे साथ बहुत बड़ा धोखा हो गया है। धोखा? हाय सरिश। हाय। गुड टू सी यू। अहिल से मिलने आई थी? हाँ, आई वाज जस्ट लीविंग। साहब अगर आप बुरा ना मनाए तो आपसे एक बात पूछ सकती हूँ? हाँ पूछो। आपको किरण याद नहीं आती? What kind of question is this? Of course याद आती है। मेरा एक बहुत खूबसूरत माजी है। How can I forget? लेकिन खुदा जब किसी से कुछ लेता है तो उसके बदले में उसे कुछ दे भी देता है। जैसे मुझे रूमी मिली और रूमी को मैं। इट वर्क्स लाइक अ सिस्टम। आई थिंक जिंदगी ऐसी ही चलती है ना? हाँ बिल्कुल ठीक कह रहे। आप भाभी से बहुत मोहब्बत करते हैं। लेकिन पता नहीं मुझे क्यों ऐसा लगता है कि जितनी मोहब्बत आप उनसे करते हैं उतनी वो आपसे नहीं करते। ऑफ कोर्स करती है वो मुझसे मोहब्बत। बीवी वो मेरी, मुझसे मोहब्बत नहीं करेगी तो और किससे करेगी? इनफैक्ट कभी कभार मैं भी सरप्राइज हो जाता हूँ कि वो मुझसे इतनी मोहब्बत क्यों करती है। वो एक्चुअली भाभी ताबिश भाई से बहुत मोहब्बत करती है। वो उनके लिए उनकी पूरी दुनिया थे। और यहाँ पे तो बाबा ने आपसे शादी के लिए उन्हें बहुत मुश्किलों से कन्विंस किया। बस ऑब्वियसली वो जानते हैं कि आपसे बेहतरीन इंसान तो उनके लिए कोई है नहीं। लेकिन आई डोंट थिंक कि भाभी ताबिश भाई को बुला चुके। और तुम्हें ऐसा क्यों लगता है? आप मेरे पास इस चीज का कोई सबूत तो नहीं है लेकिन भाभी ना भाई को अपनी आंखों के हिसार के सामने रखती। लेकिन मैंने उनकी आंखों में आपके लिए ऐसी मोहब्बत नहीं देखी। You know, times have changed. पहले रूमी अकेली थी, अब उसके साथ आहिल भी है। वक्त के साथ साथ इंसान की प्रायोरिटीज बदल जाती हैं, सेम नहीं रहती। Yeah, you're absolutely right. लेकिन अगर भाभी ने आहिल का फ्यूचर सिक्योर करने के लिए आपसे शादी की ही है तो कम से कम आपको भी तो प्रायोरिटी दे रहा। You know what, Sarish? This is my personal matter. And I don't like to discuss it with others. So please, if you don't mind, I'm just going to go inside. आप भाभी से बहुत मोहब्बत करते हैं लेकिन पता नहीं मुझे क्यों ऐसा लगता है कि जितनी मोहब्बत आप उनसे करते हैं उतनी वो आपसे नहीं करते। सिद्दीकी साहब मैं एक माँ हूँ और हर माँ की तरह मेरी ये ख्वाहिश है कि मेरे बेटे की फैमिली हो। जब रूमी माँ ही नहीं बन सकती तो मेरा बेटा बाप कैसे बनेगा? अच्छा आप क्या समझ रही हैं? अगर ये बात सारिम को पता भी चल जाएगी क्या वो रूमी को छोड़ देगा? रूमी सारिम की मोहब्बत है। ऐसा कभी भी नहीं होगा जो आप सोच रही हैं। मेरे ख्याल में ये सारा मामला आप अल्लाह पे छोड़ दें, कोई बेहतर फैसला करने वाला है।
तो आप ये चाहते हैं कि मैं इस बात को खामोशी से पी जाऊं? खामोशी से पी जाने में ही आफियत है। आपने अपने अंदर की मां को मार के अपने बेटे की शादी एक ऐसी लड़की से की है कि जिसकी एक औलाद भी है, लेकिन ये आपने सब कुछ अपने बेटे की खातिर किया ना, तुम उसे वो लड़की पसंद है, फिर सारा मामला अल्लाह भी छोड़ दीजिए, सब ठीक हो जाएगा। सिद्दीकी साहब, मेरा दिल इतना बड़ा नहीं है। नहीं सादिया, आपका दिल बहुत बड़ा है और मुझे उम्मीद है कि आप बड़ेपन का मुजाहरा भी करेंगे। आ गए आप, मैं आपको ही कॉल कर रही थी। कोई काम था आहिल का? इनको भी मैंने थोड़ी देर के लिए सुलाया। अच्छा, क्या बात है सारे, परेशान लग रहे हैं आप? नहीं, जस्ट हैड अ बिजी डे, थक गया थोड़ा सा। अच्छा अच्छा सारे, मुझे शॉपिंग पे जाना था, क्या मैं जा सकती हूँ? ऑफ कोर्स, इसमें पूछने वाली क्या बात है, जरूर जाओ। ठीक है। वो एक्चुअली मामा पापा जब भी आते हैं आहिल के लिए कुछ लेकर आते हैं, तो मैंने सोचा आप जा रहे हैं तो मैं भी कोई गिफ्ट दे दूँ। प्लीज जरूर, आई थिंक इट्स अ वेरी गुड आइडिया। एक काम करो, स्टिक विद यू, इसको इस्तेमाल कर लेना। थैंक यू। मैं कॉफी लाती हूँ आपके लिए। एक्चुअली भाभी ताबिश भाई से बहुत मोहब्बत करते हैं, वो उनके लिए उनकी पूरी दुनिया थे, और यहाँ पे तो बाबा ने आपसे शादी के लिए उन्हें बहुत मुश्किलों से कन्विंस किया। शान जी, क्या हुआ बेटा, क्या बात है शान जी, क्यों रो रो के बेहाल हो रही हो? तब बता दो, मेरा ना दिल बैठा जा रहा है, बोलो क्या बात है? अम्मी, वो आरिफ की फैक्ट्री बंद हो रही है, सारे वर्कर्स को जवाब दे दिए, कह रहे हैं दूसरी नौकरी का इंतजाम कर लो। आपको तो पता है ना, आरिफ तो शुरू से उस फैक्ट्री में काम कर रहे थे, उनको भी जवाब दे दिए, वो इतने परेशान है। तो बड़ी फिक्र की बात है। फिकर की बात नहीं अम्मी, बहुत ज्यादा फिकर की बात है। अब खुद सोचें घर के खर्चे कैसे चलेंगे, हाय अयान के स्कूल की फीस। अच्छा बेटा, परेशान मत हो, देखो अल्लाह ताला अगर एक दर बंद करता है ना, तो 100 दरवाजे और खोल दे। हिम्मत करो और यकीन करो अपने रब पे, बल्कि अपने मियां को सहारा दो ऐसे टाइम पे। इस वक्त उसे तुम्हारी सपोर्ट की जरूरत है, बजाय इसके कि तुम उसे सपोर्ट करो, सहारा दो, उल्टा रो रो के तुम बेहाल हो रही हो। आपको तो पता है ना अम्मी, मैं आपसे हर बात शेयर करती हूँ, इसलिए बताया, वरना आरिफ ने तो मुझे सख्ती से मना किया था। आप प्लीज उनको ना बताइएगा। अच्छा किया बेटा तुमने मुझसे शेयर कर ली, कम से कम दिल का बोझ हल्का हो गया। नहीं, मैं नहीं बताऊंगी आरिफ, बेफिक्र रहो। आपको इसलिए बताया कि आप माँ है ना, तो माँ की दुआ जल्दी कबूल होती है। और हाँ अम्मी, रूमी को तो बिल्कुल ना बताइएगा। मैं भला रूमी को क्यों बताऊंगी बेटा, बिल्कुल भी नहीं बताऊंगी। अच्छा अब तो ना रो, बस करो बेटा, बस करो, जाओ अपने कमरे में, जाके मुंह धो और आराम करो। बल्कि अब ये वक्त आया है घर पे मुश्किल, तो नमाज पढ़ के दुआ करो, कभी नमाज भी पढ़ लिया करो, बीवी की दुआ में बहुत असर होता है। चलो शाबाश।
मैं कोशिश तो करती हूँ ना अम्मी नमाज पढ़ने की, आपको पता है फजर के बाद से शुरू होती हूँ काम करने और रात हो जाती है। अच्छा चलो नमाज पढ़ो, शाबाश, दुआ करो। अल्लाह कहीं से ढेर सारे पैसे दे दे। अस्सलाम वालेकुम रूमी बाजी। वालेकुम अस्सलाम रानी, कैसे हो? मैं ठीक, आप सुनाए, आप कैसी हैं? बिल्कुल ठीक। मामा पापा कहाँ हैं? वो साहब जी और बेगम साहिबा कुछ हज के कागजात बाकी थे तो अभी निकले, एक घंटे ही हुआ है उनको निकले हुए। मुझे बताकर आना चाहिए था। कैसी बात कर रही हैं रूमी बाजी, आपका अपना घर है, जब दिल चाहे आ सकती हैं। आप बैठे, मैं सहरिश बीबी को बुलाती हूँ। नहीं नहीं, मैं सहरिश के पास खुद जाती हूँ, सरप्राइज देती हूँ उसे। ओके रूमी बाजी। रानी, यहाँ पर तस्वीर थी, कहाँ गई? वो रूमी बाजी, आपके होते हुए बेगम साहिबा ने सारी तस्वीरें हटा दी ताबिश भाई की। ये तो उस दिन सहरिश बीबी की जिद की वजह से दावत वाले दिन लगाई और दावत खत्म होती ही हटा दी थी। ठीक है। What a pleasant surprise. आप खड़ी क्यों बैठे ना? कैसे कर लेती हो तुम इतना ढोंग? ढोंग? समझी नहीं मैं। ये है हकीकत? हमदर्दियां बटोरती हूँ, सबके सामने अच्छा बनती हूँ, माफी मांगती हूँ, और अंदर ही अंदर हमारी जड़ें काट रही हो तुम। मुझे समझ आया कि उस दिन सादिया आंटी के सामने तुम बार बार मुझे भाभी क्यों कह रही थी, ताबिश का जिक्र क्यों कर रही थी, हमारी शादी की दावत की और पूरे घर में तुमने लगाई ताबिश की तस्वीरें ताकि मुझे बुरा लगे, और मैं बेवकूफ समझी थी कि बदल गई हो तुम।